गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट क्राफ्ट एंड मैं स्नेहा। सो आई एम स्नेहा और आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पार्ट फिफ्थ का। ये मेरी वीडियो का है पार्ट फाइव। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर आपको करवाया था और उसमें मैंने मेंटल एबिलिटी आधे ज्यादा करवा दिया था, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जरूर है, आप उसे जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये है हमारा पार्ट सिक्स दिया है इसमें। तो इसमें क्या है जो हमारा पार्ट सिक्स में गिवन है, इसमें है इन एवरी क्वेश्चन अ ज्योमेट्रिकल शेप फिगर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम फिगर एंड फोर आंसर फिगर्स अमंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द प्रॉब्लम फिगर। यानी कि इसमें देखो ये हमारे क्वेश्चन है और ये जो हमारा प्रॉब्लम फिगर है ना, तो वो कुछ भी एक ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है और उसमें हमें जो ऑप्शंस दिए हैं जैसे ए बी सी और डी, तो उसमें से एक ऑप्शन उसे पूरा फिल कर देगा। तो चलो अब इसे स्टार्ट करें। यहाँ देखो ये यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ऐसे अगर हम कर दे ना ये स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये ज्यादा बड़ा हो गया तो ये तो है ही नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही है, ये तो बहुत ही अलग है, ये तो है भी नहीं, और ये ज्यादा चौड़ा नहीं था, ये सिंपल था नीचे की तरफ, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये है हमारा डी ऑप्शन, ये सेम टू सेम ऐसे ही है। देखो आप इसे। अब हम करेंगे 27th क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये देखो ऐसे। अब देखो ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऐसा तो बनेगा ही नहीं। यहाँ देखो यही बच रहा है और यही बन रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा ऐसे, और ये देखो ऐसे ही बन रहा है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस ये रहा मेरा 28th क्वेश्चन जो मेरे पास है। तो अब आपको यहाँ पे इसकी आंसर की भी दी है, यानी कि ये आंसर फिगर्स हैं, तो आपको इसमें से फाइंड करना है। तो हम क्या यहाँ पे क्या भरेंगे जो ये एक फिगर बन जाए, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये बन क्या रहा है, ये सर्कल बन रहा है, डायमंड बन रहा है, स्टार बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये बन क्या रहा है इनमें से। तो ये देखो आप यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है, अगर हम इसे ऐसे करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, अगर हम बड़ा करते तो ये बाहर आ जाता और ये पूरा फिगर नहीं बन जाता, ठीक है। तो इसलिए हम रेक्टेंगल नहीं बनाया हमने, यहाँ पे हमने इसलिए ही स्क्वायर बनाया है। तो अब देखो आप कुछ इस प्रकार से हमारा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा। यहाँ देखो सेम टू सेम ऐसा ही मैच कर रहा है, ए पार्ट बी पार्ट को अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे टू है एकदम स्टेयर्स जैसे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और ये अलग ही है, ये देखो यहाँ है और इतना छोटा है, ऐसे तो होएगा ही नहीं, और ये तो यहाँ स्लैंटिंग है, ये तो होएगा ही नहीं हमारा। तो अब हम बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम फिगर गिवन है और उसके यहाँ पे आंसर फिगर्स गिवन है, तो पहले हमें पता होना चाहिए बन क्या रहा है, ये बन रहा है एक स्क्वायर देखो। और अब अगर हमने इसे स्क्वायर बनाया तो हमें कैसे बनाना है, अब इसे कैसे हमें फिगर चाहिए जो एक स्क्वायर बन जाए, कुछ इस प्रकार से फिगर होना चाहिए ऐसा। तो ये देखो यहाँ पे तो गाइस मैंने मोटा बना लिया क्योंकि मैंने स्केचपेन की तरफ से यूज करा है, तो आप यहाँ पे पतला ही होगा, आप फिगर आप अपने स्केल की मेजरमेंट से भी यूज कर सकते हैं। ये देखो ये देखो ये बहुत ही नीचे है पर ये छोटा है ना, तो इसलिए ये तो होएगा ही नहीं। और ए पार्ट को अगर आप देखोगे ना, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, इसमें सेम टू सेम लाइन भी सेम है इसकी, और इसमें जो अगर आप मेजर करोगे तो वो भी सेम आएगा, तो इसलिए हमारा ए पार्ट सही है। अब ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर गिवन है हमारी एक सर्कल है, तो अब हम इसे सर्कल बना लेते हैं। तो देखो अब क्या बनेगा, ये ऐसे, ये तो बहुत इजी है, ये तो ऐसा है, तो ये देखो ए पार्ट हमारा सही है, ये ना ही ऐसा बन रहा है, ना ही ऐसा बन रहा है, और ये ना ही ऐसा बन रहा है।
तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है, किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। बाय बाय।